आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान, शास्त्रों में वर्णित है ये चार प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। जय जिन, मेरा नाम अपेक्षा है और मैं सृष्टि मंगलम संस्था से 2 साल से जुड़ी हुई हूँ, जिसमें मेरे पति जब कैंसर से पीड़ित थे और उनको उनकी दवाई खर्चे के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं कैसे इलाज कराऊं उनका, तब मैं ये सृष्टि मंगलम संस्था से जुड़ी, जिसमें मेरे सहयोग मेरी माता जी ने किया और अभी तक वो मुझे सहयोग दे रही हैं। मेरे बच्चे हैं 2, जिसमें से एक बेटी है 10 साल की और एक 2 साल का बेटा है, जिसका कपड़े लत्ते, खाने पीने का, स्कूल का सारा वो खर्चा उठा रही हैं। कि ये संस्था आप लोग देखें, आप लोग समझें संस्था को, ये संस्था क्या है, कितने लोगों की मदद करती है ये संस्था। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़े और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकती हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117727, IFSC कोड PUNB 002120। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में, पुत्र एवं पुत्रवधु श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया, श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा, अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। तो ध्यान रखना, ये जीवन हमें ज्यादा सुख शांति नहीं दे पाएगा, क्योंकि हमें सच्चाई में जीना है। हमारे वो दिन थे जब लोग 4 साड़ियां भी महिलाओं पर होती थी, किसी रिश्तेदारी में जाएं तो 15 दिन रह जाएं तो उन्हें दोबारा वो साड़ी नहीं पहनना पड़ती थी, क्योंकि जो घर की महिलाएं होती थी, भाभियाँ हुई, बहनें हुई, बोले आज तू मेरी पहन जाना, मैं तेरी पहन जाऊंगी। वो दिन थे जब एक साथ हॉल में, बरामदों में, शादियों में सोते थे, रात तक 2-2 बजे तक मस्ती होती थी। अब बोले सेपरेट कमरा चाहिए, अलग कमरा चाहिए। हमने कहा यार, एक कबूतर खाने में घर में ही सड़ लेती, यहाँ काय को आई, घर में कमरा नहीं था क्या तुम्हारे, तुम लोग तीर्थों पर भी जाते हो। तो बोले कौन सा होटल अच्छा है, कौन सी चीज यहाँ की फेमस। हमने कही ये हद हो गई, अरे परमात्मा से मिलने गए हो, होटल देख रहे हो, जितना रास्ते में टाइम लगाते हो इतना परमात्मा के सामने नहीं लगाते हो। मंदिर में तो बोल जाले जय जय नाथ परम गुरु गोय, बाहर जाके बोई सुर गोय। और तो भगवान के सामने आते बोलते हो सभी विधि संसारे असारा, या में सुखी नाही लगारा। बाहर जाते बोले सभी विधि संसार के सारा, बोगी तो लागे प्यारा। क्योंकि जितना रस काम भोग की कथाओं में आता है, इतना ज्ञान और वैराग्य में आता है क्या। अभी एक महिला बोली माता जी मुझे नींद नहीं आती, मैंने कहा प्रवचन में आना नींद आ जाएगी। बोले माता जी कुछ खो गया, मिल नहीं रहा। हमने कहा माला फेरो, मिल जाएगा। बोली कौन सी फेरू, मैंने कहा कोई सी भी फेरो,
क्योंकि जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं। तुम कोई सी भी माला फेरो, भगवान से तो परिचय नहीं तो माला में वही सब चीज़ें याद आएंगी। तुम्हें वैसे नहीं याद आएगी लेकिन बैठ जाओ तो जरूर याद आएगी। तुम वैसे रोज नमक नहीं खाओ तो कोई बात नहीं, रोज खाना नहीं खाओ तो चलता है शाम तक, लेकिन जिस दिन उपवास कर लो उस दिन ज़्यादा खाने में सुगंध आती। सच्चाई यही है, मन को बस में कर ले तो क्या हुआ। हम लोग कहते हैं मन को बस में कर लो, मैंने कि मन को बस मत करो, मन को विषय दो अच्छे। तुम यदि उपवास कर लेते हो तो उपवास ऐसे होना चाहिए अपने आप में बास होना चाहिए। ताकि कितनी शक्ति इन लोगों को भगवान और दे, कितनी अच्छी भावना इनकी। आप भी ऐसे ही किया करो, किसी से ईर्ष्या छल कपट मत किया करो और अपने दुर्गुणों को बताओ, वरना मायाचारी करोगे तो आपको त्रियंच गति का बंद होगा। अभी अपनी शक्ति की अभिव्यक्ति नहीं की तो आगे चल के अभिव्यक्ति की शक्ति नहीं मिलेगी। एक पंडित जी पढ़कर आए बनारस और महिलाएं पानी भर रही थी। पंडित जी कहने लगे तुम महिलाएं हटो, हम पानी पियेंगे। तो वो कहने लगी पानी काहे से पियोगे, हम सब महिलाओं के पास ही रस्सी डोर है। तो वो कहने लगे चलो अब नहीं मानती हो तो पिला दो। लेकिन उसका जो चेला था कहने लगे तुम क्या समझ रहे हो, इतने बड़े पंडित हैं, काशी विश्वविद्यालय में नंबर एक में प्रमाण पत्र फर्स्ट आए हैं। बोले अच्छा, बोले हाँ। तो बोले सब कुछ सारे वेद गीता पुराण जानते हैं। उनने कहा कि हमारे बारे में भी जानते हो क्या, स्त्री पुराण भी पढ़ाए। वो कहने लगे तिरिया पुराण, अरे तिरिया कोई पढ़ने की चीज है, वो तो पैरों की जूती है। कई बार लोग कहते हैं कि नारी तो नरक का द्वार है, हमने कही द्वार है तो वो बिचारी नहीं जाएगी, द्वार में से तो दूसरे ही लोग जाते हैं, द्वार तो वहीं खड़ा रहता है। तो वो भी कहने लगे स्त्री कोई चीज है क्या, है तो पैर की जूती, इसके बारे में क्या जानना। वो कहने लगी आप इतने महान पंडित हो, आपको मेरा मन कर रहा है कि आपको घर पे खाने पे बुलाऊं। तो वो कहने लगे ठीक है चलता हूँ। चले गए, वो खाना बनाने लगी, बनाने क्या लगी, उसे तो पंडित जी की अकल ठिकाने लाना थी। वो खाना बनाने लगी और कुंडी लगा दी। इतने देर में दरवाजा किसी ने खटखटाया। वो कहने लगी पंडित जी अब क्या होगा आपका। बोले क्यों, कहने लगे मेरा पति तो बड़ा दुष्ट है, एक दिन ऐसे ही कुंडी बंद थी और देवर मेरा सो रहा था घर में और वो तो उसे शंका हो गई, उसने मार के यहीं पर गाड़ दिया था मेरे देवर को। अब पंडित जी आपका क्या करेगा, आप तो और बाहर के हो, पता नहीं आपको कहाँ गाड़ेगा। तो पंडित जी कहने लगे अरे बच्चा बच्चा मुझे। तो वो कहने लगी कोई बात नहीं, आप इस संदूक के अंदर बैठ जाओ। संदूक में ताला और लगा दिया, दरवाजा खोला, पति बोला इतनी देर क्यों हुई। कहने लगे क्या बताऊँ, एक मर्द आया था उसे भगाने में लग गए और पंडित जी की आत्मा तो ऊपर नीचे होने लगी। कहने लगे कैसी औरत है, मुझे खुद तो छुपा दिया और अपने आदमी को बताने लग रही। तो उसने कहा कहाँ है, कहने लगे कि बस यहीं कहीं छुपा होगा। उसने कही बता। वो देखने लगा तो वो तो रोने लगी, कहने लगी इतने साल हो गए मुझ पर इतना भी विश्वास नहीं है, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, तुम कैसी बात करते हो, मेरे पे शंका करने लगे। उसके पति ने कहा अरे तू कह रही तो शंका नहीं करूँगा क्या, बता कहाँ, अभी अभी गाड़ दूंगा यहीं पर। पंडित जी तो धड़कन बढ़ गई पंडित जी की। अब जैसे तैसे उसके पति किसी काम से तो थोड़ी देर को बाहर गए। वो कहने लगी ऐसा करो पंडित जी, वो तो बाहर ही खड़ा है, आप ऐसा करो उस गटर में घुस जाओ, नाली में घुस जाओ। अब पंडित जी को नाली में घुसा दिया, वो बेचारे पूरे कपड़े मपड़े, आप समझ गए पहले के गटर भी कैसे होते, उसको घुसा दिया। अब वो थोड़ी देर बाद बोली पंडित जी त्रिया चरित्र के बारे में क्या ख्याल है। पंडित जी बोले भैया सारे पुराण पढ़ सकते हैं, औरतों का औरतों के बारे में नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए लोग कहते हैं कि औरतों में मायाचारी होती है। हमने कहा कौन कहता है औरतों में मायाचारी होती है। अरे सच पूछो, क्या रावण सीता को मायाचारी से हर के नहीं लाए। यदि हर लेता तो कोई बात नहीं, बहुत लोगों ने पत्नियां हर ली किसी किसी की, लेकिन संत के भेष में हर ली ये बहुत बड़ा खतरा था।
इसलिए नरक गया। मन नारायण प्रति नारायण का तो नियोग ही होता है, लेकिन ये बड़ा अपराध था। और बहुत सारे ऐसे दृष्टांत हैं कि सच पूछो, इस भेष में आकर कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। आपको भी श्रावक की भूमिका में आकर, आजकल लोग कह हमारा तो सब चलता है, हमने कि कोई जानवर दिन में खाता है, कोई रात में खाता है, ये नए प्रकार का जानवर रात में भी खाता है, दिन में भी खाता है। कम से कम कोई मजबूरी हो तो समय सीमा बनाओ, वरना ये मायाचार तुम्हें घर में ही पैदा करेगा। पूज्य पाठ स्वामी जी कहते हैं कि जो जहाँ राग करता वहीं पैदा होता है। मकानों से ज्यादा राग होगा तो छिपकली बन के दीवार में टिके रहोगे, बच्चों से ज्यादा प्यार होगा तो मच्छर बन के उनको गीत सुनाओगे, उनकी परिक्रमा लगाओगे और बाद में खून पी के जाओगे। और यदि धन से ज्यादा प्यार हुआ तो नोट में कीड़ा बन जाओगे। लोग कहते हैं माता जी सांप बन जाते हैं, हमने कि अब सांप को कोई सुविधा नहीं कि धन के पास रहो। पहले लोग जमीन में धन गाड़ते थे, अब क्या है जमीन खोद के देखो गटर ही गटर मिलेंगे। आप समझ गए, पहले माल गाड़ते थे अब मल ही मल है नीचे। और तुम यदि बन भी गए, सांप भी बन गए, तो देखते ही मार दिए जाओगे, क्योंकि पहले धन होता था। तो धन के पास आ जाओ सांप बनकर, कहीं से भी सांप आ जाए धन के पास बैठा रह सकता था। अब तुम्हें धन से राग होगा तो नोट में कीड़ा बनोगे और बेटा पहली बार में ही तुम्हारा राम नाम सत्य कर देगा। अब इतने छोटे से कीड़े होते हैं नोट में, दिखते थोड़ी ना, वो बेटा पहली बार में ही तुम्हारा राम नाम सत्य कर देगा। इसलिए कौन से यशोधर चरित्र आपने पढ़ा होगा, जिसको पढ़कर मुझे वैराग गया। अपने ही घर में खुद का बेटा पिताजी और दादी की आत्मा की शांति के लिए उन्हें 10 बार कम से कम, 9 बार तो पहले और 10वीं बार फिर बच गए वो, 9 बार मरवाता रहा इसलिए कि हमारे दादी और पिताजी की आत्मा को शांति मिले। ये दुनिया कितनी खतरनाक है, विषयासक्त चित्ता नाम गुणा को वान नस्ति की कहते हैं। विषय आसक्ति हर इंद्री के विषय फिसलन है। आप जिभ्या इंद्री के कारण क्या क्या अवाड़ कवाड़ खा लेते हो, आप समझ गए। आपके बच्चे जो एक कुरकुरे चिप्स खाते, कभी सोचा घर की तो 1-2 घंटे में खुला रख दो तो क्या होंगे, नरम हो जाएंगे। ये कुरकुरे चिप्स क्यों कड़क रहते हैं, क्योंकि सुअर की चर्बी में तले जाते हैं। और आप बड़े प्यार से कहते हो कुरकुरे खिलाएंगे, बच्चे ही खाते हैं। अरे बच्चों को बचपन से ऐसी चीजें मत लगाओ मुंह, क्योंकि आप कहते हो हमें पता नहीं है तो पाप थोड़ी लगेगा। भय त्याग दूध बिलाब पीवे आपदा नहीं देखता। अरे बिल्ली आंख बंद कर ले तो मालिक अंधा नहीं हो जाता है। यदि शतुर्मुर्ग कोई शिकारी आता है तो गर्दन मिट्टी में गाड़ लेता है कि कोई देख नहीं पाए, तो जल्दी मर जाएगा, देखेगा तो कम से कम भाग तो सकता है। हम कर्मों का बंद देखे कि हमें कैसे हो रहा है, हम बोलते हमें पता ही नहीं है। अरे पता नहीं है तो और जल्दी पकड़े जाओगे, पता हो तो कम से कम बच तो सकते हो। इसलिए हर पहलू पर वो रानी एक कुबड़े को बहुत अच्छा गाता था, उसको अपने राजमहल में पति से कह के कहती है आप राज्य कार्य में व्यस्त रहते हो, इसको रख दो तो कम से कम मैं गीत सुन लूंगी। और राजा रख देता, उस पर भी आसक्ति हो जाती है उसे। और कहती है महल के नीचे तहखाने में रख दो, बोर तहखाने में कुबड़ा रहता है। और एक दिन क्या उसका तो एक काम ही होगा जब समय मिलता होगा, लेकिन एक दिन राजा के साथ कमरे में है और एक दिन वहाँ चली जाती है और वो बाल खींच के कहता है इतनी देर क्यों लगाई। वो कहती वो सोया नहीं था तो कैसे आती। थी
श्रीमती समता जैन, श्री सरल जैन, श्रीमती प्रीति जैन, डॉक्टर ट्विंकल जैन, अपूर्वी जैन मुरादाबाद, श्री अनुज जैन, श्रीमती पायल जैन, श्री अरहम जैन, श्रीमती अनुष्का जैन, श्री अपूर्व जैन, श्रीमती कुसुम जैन, चिल्काना सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश, श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन निवासी सहारनपुर नानौता वाली, श्रीमती पुष्पा जैन पत्नी स्वर्गीय श्री आर के जैन, मनोज निधि चैतन्य दिव्य जैन, प्रभात नेहा उर्वी तवी जैन, सुधांशु नितिका शिवांक जैन जबलपुर, श्री सुरेंद्र कुमार शाह मुंबई। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यकरत्री श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय शेत श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार पिच्छी कमंडल वस्त्र शास्त्र औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनी आरिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम सेवा समिति श्री महावीर जी, महादान आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21000 रुपए, सदस्यता 31000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51000 रुपए, अति विशिष्ट 71000 रुपए, संरक्षक 111000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 211000 रुपए। माता जी के सानिध्य में दुख शोक निवारक 1008 विशापाहार विधान की श्रृंखला में आप भी भागीदार बन करें पुण्यार्जन। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं: बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010032429, IFSC कोड BARBOSHRIMA, पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0212001011772777, IFSC कोड PUNB 002120। नोट: आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।